आज हम बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को मिस ना करें। बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल न्यू। इस तरह से हम पीस में काट के रखे हैं, हम आगे बताएंगे ये किस चीज़ का बना हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा पीस लग रहा है। हम पत्ता गोभी की रेसिपी लेकर आए हैं। हम सबसे पहले पत्ता गोभी का ऊपर का डंठल काट के हटा दिए हैं और सारे पत्तों को हम पीस पीस में निकाल के रख लिए हैं। ऊपर मोटा वाला पार्ट को हटा दिए हैं पत्ते का। अब हम इसके लिए मसाले का तैयारी कर रहे हैं, तो हम 3 चम्मच बेसन ले लिए हैं। आप जितना पत्ता लें उसके अनुसार बेसन ले लें। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें। आप तीखा कितना खाते हो उसके अंदाज से डाल लें और नमक स्वाद अनुसार। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मिल गया है अच्छे से, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। पतला नहीं करना है आपको, हम दिखाएंगे घोल तैयार करने के बाद कितना गाढ़ा रखना है। इतना गाढ़ा रखना है। तो अब इसको हम साइड करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे मसाला लगाना। अब एक एक पत्ता को हम बनाएंगे पहले, इसलिए सारे पत्ते को साइड कर दिए हैं। अब देखिए क्या करना है, हाथ की मदद से सारे पत्ते में इन मसालों को लगा लेना है, अच्छे से लगा लेना है और एक एक पत्ता को उसके ऊपर रख देंगे। 2-3 पत्ते में ही लगाएंगे, इस तरह से लगा लेना है और इसको हम रोल कर लेंगे। बेसन इतना लगाएं कि सारा पीस एक दूसरे से चिपक जाए और एक धागा की मदद से इसको हम बांध देंगे ताकि रोल खुले नहीं। इसी तरह से हम सारे पत्तों को हम बेसन लगाकर मसाला लगा के तैयार कर लेंगे। ऊपर थोड़ा ज़्यादा लगाना। चलिए अब गैस की ओर चलते हैं। हम गैस पे कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल के रख दिए हैं, गर्म हो गए, तो उसके ऊपर हम ये प्लेट को डाल दिए। इसको अब हम स्टीम करेंगे। इसको ढक के स्टीम करना जब तक पत्ता गोभी गल ना जाए। हम एक और तरीका आपको बताते हैं। आप पत्ता गोभी को पहले उबाल के ठंडा करके उसके बाद भी बेसन लगा सकते हैं। पानी में पहले उबाल लें, उसके बाद मसालों को लगा के स्टीम कर लें। अब देखिए हम इसको निकाल लिए हैं, स्टीम हो गया है, पीस में काट के रख लिए हैं। अब एक कढ़ाई में तेल डाले हैं और उसमें सारे पीस को डाल के फ्राई कर लेंगे। अगर बेसन कम लगेगा तो पीस संभलेगा नहीं, खुल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करें, पतला सा घोल बना लें बेसन का और उसमें डिप करके डाल दें। घोल में कुछ भी नहीं डालना, बस बिल्कुल पतला रहेगा। देखिए मैं एक घोल वाला भी आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से सारे पीस को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल के प्याज को हम डाल देंगे, अगर कम लगे तेल तो, और नहीं तो है उसमें अगर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर को हम डाल दिए हैं और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हम इसका मसाला बनाएंगे। तो फ्राई हो गया है, इसको हम मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना के रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा तेल डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा जीरा और 2 लाल मिर्च डाल दिए। इसके चटक जाने के बाद हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर दे रहे हैं। लहसुन नहीं ऐड कर रहे क्योंकि वो मसाले पीसने में हम डाल दिए थे। इसको हम 2 मिनट भून लेंगे और जो मसाला हम तैयार करके रखे थे प्याज टमाटर का, उसको इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च। अब देखिए तेल सेपरेट होने लगा, मसाला भी भुन गया है। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। अब हम इसमें मिक्सी जार को धो के पानी डाल दिए और थोड़ा सा पानी और, जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना पानी डाल दें। हम इसमें गरम मसाला यूज़ नहीं करेंगे। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे। इसमें नमक हम ऐड कर दे रहे हैं स्वादानुसार और इसको अच्छे से उबाल आने तक पकाना है।
अब देखिए ये उबल रहा है। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। एक बार बनाएंगे ना, बच्चे बड़े सब लोग बहुत पसंद से खाएंगे। ये है ही इतना टेस्टी। तो अब ग्रेवी तैयार हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दे रहे हैं और इसको एक मिनट तक उबाल लेंगे। और अब एक एक करके इस पीस को हम इसमें डालेंगे, एक साथ नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके डाल देंगे। और इसको हम कम से कम 2 मिनट तक डालने के बाद उबाल लेंगे। आप इसको रोटी, चावल, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर ग्रेवी ज़्यादा बना रहे हैं तो मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल दें, बहुत पतला मत रखें ग्रेवी को। अब ये बनके तैयार हो गया, हम गैस बंद कर दिए हैं। आपको एक बर्तन में निकाल के दिखाते हैं। देखिए एक पीस भी नहीं टूटा ना, कितना अच्छा से निकल रहा है। तो इस तरह से निकाल लें और ये सर्व के लिए रेडी है। हम तो चावल के साथ खाने जा रहे हैं। एक बार आप ज़रूर बनाएं और इस सब्ज़ी को इंजॉय करें और कमेंट में बताएं।